नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है भारत ज्ञान। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और नीचे लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सकें। दोस्तों, आज हम नाग पंचमी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के पहाड़ से उत्तरा ने मृत शिशु को जन्म दिया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु उत्तरा पुत्र को ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के बाद भी जीवित कर दिया था। यही बालक आगे चल के राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। परीक्षित के प्रतापी पुत्र का नाम जन्माजय था। एक बार राजा परीक्षित शिकार के लिए घने वन में जा पहुंचे। वन्य पशुओं के पीछे दौड़ने के कारण वे प्यास से व्याकुल हो गए थे तथा जलाशय की खोज में इधर उधर घूमते घूमते वह श्रमिक ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां पर श्रमिक ऋषि अपने ध्यान में लीन थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यान मग्न होने के कारण श्रमिक ऋषि ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। सिर पर रखे हुए स्वर्ण मुकुट में कलियुग के प्रभाव से राजा परीक्षित को प्रतीत हुआ कि ऋषि ध्यान मग्न होने का ढोंग कर रहे हैं अथवा उनका अपमान कर रहे हैं। उन्हें ऋषि पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से पास ही पड़े एक मरे हुए सांप को धनुष की नोक से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपने नगर को वापस लौट गए। श्रमिक ऋषि जब ध्यान साधना से जागृत हुए तो उन्होंने अपने गले में पड़े हुए मृत सांप को देखा। उन्हें ज्ञात ही नहीं हो पाया था कि राजा ने उनके साथ क्या किया है। उसी दौरान श्रमिक ऋषि के पुत्र रंगी ऋषि आ पहुंचे और जब उन्होंने अपने पिता का राजा द्वारा अपमान देखा तो वह बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सोचा कि यदि ये राजा जीवित रहेगा तो इसी प्रकार ऋषि को अपमान करता रहेगा। इसी प्रकार विचार करके ऋषि कुमार ने तुरंत ही कमंडल से अपनी अंजलि में जल रखकर उसे अपने मंत्रों से अभिमंत्रित करते हुए राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि तुझे आज से सातवें दिन तक्षक सर्प दसेगा। श्रमिक ऋषि कुछ समझ पाते इससे पहले रंगी ऋषि ने श्राप दे दिया था। श्रमिक ऋषि ने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तुमने ये क्या किया? वह राजा तो प्रजा के रक्षक हैं। उन्होंने इतना बड़ा अपराध भी नहीं किया था कि इतना बड़ा श्राप दिया जाए। श्रमिक ऋषि को इसी बात पे बहुत पश्चाताप हुआ। जन्मेजय को जब यह पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के काटने से हुई है, तो उन्होंने विश्व के सभी सांपों को मारने के लिए नाग दाह यज्ञ करवाया। इस यज्ञ की अग्नि में नागों को पटक दिया जाता था। एक विशिष्ट मंत्र द्वारा नाग स्वयं यज्ञ के पास पहुंच जाते थे। इस यज्ञ में सिर्फ दो ही सर्प बचे। उनके नाम इस प्रकार हैं, करकाटक। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए उज्जैन के महाकाल राजा की शरण में गए थे और वे एक बहुत बड़े शिव भक्त थे। और दूसरे सर्प थे तक्षक। हिंदू पुराणिक कथाओं के अनुसार तक्षक पाताल के आठ नागों में से एक ऋषि कश्यप के पुत्र थे। लाखों सर्प यज्ञ की अग्नि में गिरने प्रारंभ हो गए, तब तक्षक ने भयभीत होकर इंद्र से शरण मांगे। इस पर जन्माजय ने अपने ऋषियों को आज्ञा दी कि इंद्र अगर तक्षक को ना छोड़े तो वह तक्षक के साथ इंद्र को भी भस्म कर दे। ऋषियों के द्वारा मंत्र पढ़ने पर तक्षक के साथ इंद्र का सिंहासन भी खिंचने लगा। तब इंद्र ने डरकर तक्षक को छोड़ दिया। तब तक्षक खींचकर अग्निकुंड के समीप पहुंच गए थे। तब उसी वक्त इस यज्ञ को रुकवाने के लिए महर्षि आस्तिक आ गया है। वह ऋषि कुमार आर्य और माता नागवंशी के बेटे थे। इसी नाते वह यज्ञ को होते देख ना सके। लड़ाई खत्म करवा कर अच्छे संबंध बनाने हेतु उन्होंने सर्प पूजा को एक त्योहार के रूप में मनाने के लिए शुरुआत की। नागवंश से ताल्लुक रखने के कारण उसे नाग पंचमी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको नाग वंश के बारे में बताऊंगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।